आज इस वीडियो में हम एक ऐसा केक बनाने जा रहे हैं जिसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसे कोई भी बना सकता है और इसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। प्लस एक बात आपको बोल दूं कि इसे बनाने के लिए बहुत चीजों की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ 3 से 4 चीजों की जरूरत होती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप है इसका क्रीम बनाना, जिसके लिए आपको मेल्टेड बटर में 1 कप दूध डालना है और इसमें 10 से 15 ओरियोस डाल के इसको अच्छी तरीके से मैश करके इसका क्रीम बना लेना है। सेकेंड स्टेप है हमारा लेयरिंग, जिसके लिए हम ब्रेड का यूज करेंगे 4 पीसेस। उसको एक बाउल की मदद से हम सर्कल शेप में काट लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे एक प्लेट में लेंगे और फिर प्लेट के बेस में हम 1 चम्मच जो हमने ओरियो का क्रीम बनाया था उसको डालेंगे और फिर उसके ऊपर एक सर्कल शेप का जो ब्रेड था उसको डाल के हम अच्छी तरीके से वहां पे प्रेस करके बिठा देंगे। अब फिर से हम 1 चम्मच ओरियो का क्रीम डाल के ब्रेड के ऊपर अच्छी तरीके से स्प्रेड करेंगे और दूसरा लेयर ब्रेड लगा देंगे। इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे बाकी दोनों लेयर्स के लिए और लास्ट लेयर पे हम थोड़ा सा ज़्यादा क्रीम डालेंगे। पर एक बात है, थोड़ा सा क्रीम बचा के भी रखिएगा क्योंकि इसी क्रीम की मदद से हमें साइड भी अच्छी तरीके से कवर करने हैं। तो ये हमारा लास्ट लेयर था जिसमें मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रीम डाला है। अब बाकी क्रीम की मदद से और चम्मच की मदद से ऑब्वियसली मैं साइड को भी अच्छी तरीके से कवर कर दूंगा। यहाँ पे एक एडिशनल स्टेप आता है कि आपको इस केक को करीब 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है ताकि ये जो क्रीम है वो जम सके। अब इस स्टेप को करने के बाद हमारा एक ही स्टेप बचता है जो कि है डेकोरेशन, जिसके लिए मैंने बचे कुचे ओरियोस को इस केक के साइड में अच्छे से दबा के लगा दिए हैं और फिर मैंने डेरी मिल्क के छोटे छोटे टुकड़े को ऊपर से ऐसे ही छिड़क के डेकोरेट कर दिया है। लास्टली छिड़कने के बाद मैं एक पीस इसके बीच में लगाऊंगा और उसके बाद हमारे केक को करीब आधे घंटे और फ्रीजर में रखना है ताकि उसका क्रीम जो है वो अच्छी तरीके से जम सके और उसके बाद हमारा केक हो जाएगा रेडी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारा केक अच्छे से फ्रीज हो चुका है, अब चलिए इसे काट के देखते हैं। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, ये जो केक है ये बहुत ही कम टाइम, बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम चीज़ों से बना है। तो इसलिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हम ऐसे ही नए नए और इंटरेस्टिंग रेसिपीज हमारे ऑडियंस के लिए लाते रहते हैं। हमारा केक कट के अंदर से तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।